एमपी के सिवनी में स्थित पैच नेशनल पार्क की सुपर मॉम का निधन हो गया। कॉलर वाली बाघिन के नाम से मशहूर T15 बाघिन के नाम से सबसे ज्यादा 29 शाबाकों को जन्म देने का रिकॉर्ड है। 17 साल की बाघिन 3-4 दिनों से बीमार चल रही थी, जहां उसने पैच नेशनल पार्क के जंगल में आखिरी सांस ली। पार्क के आला अधिकारियों की मौजूदगी में बाघिन का अंतिम संस्कार किया गया। कॉलर वाली बाघिन के निधन पर एमपी के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा और कैबिनेट मंत्री विश्वास सारंग ने ट्विटर पर दुख जताया। वन महकमे के APCCF शुभ रंजन सेन ने भी फेसबुक पर कॉलर वाली बाघिन को श्रद्धांजलि दी। गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने लिखा कि मध्य प्रदेश को मिली टाइगर स्टेट की गौरवशाली पहचान पर कोई भी चर्चा इस सुपर मॉम के महत्वपूर्ण योगदान के बिना पूरी नहीं हो सकेगी। कॉलर वाली बाघिन की मौत की खबर आते ही उसके चाहने वाले लोग गमगीन हो गए और फेसबुक से लेकर ट्विटर पर कॉलर वाली बाघिन को श्रद्धांजलि दी जाने लगी। बता दें कि इस बाघिन का जन्म पैच नेशनल पार्क में साल 2005 को हुआ था और साल 2008 में उसने पहली बार बच्चों को जन्म दिया। साल 2008 से लेकर 2021 तक 13 सालों में बाघिन 8 बार माँ बनी और कुल 29 शाबाकों को जन्म दिया, जो अपने आप में रिकॉर्ड है। उसने आखिरी बार जनवरी 2021 में 3 शाबाकों को जन्म दिया था। यही नहीं, साल 2011 में तो इस बाघिन ने एक साथ 5 बच्चों को जन्मा था। पैच नेशनल पार्क में इस बाघिन के गले में सबसे पहले रेडियो कॉलर लगाया गया था, ताकि उसकी गतिविधियों पर नजर रखी जा सके। तभी से उसे कॉलर वाली बाघिन के नाम से जाना जाता था। सागर टीवी न्यूज के लिए सिवनी से पुनीत कपूर की रिपोर्ट।